तो आज फिर लेक्चर करवाया जा रहा है बच्चों का, और गेस्ट लेक्चर के लिए आए हैं मिस मोनिका नूर मेकओवर से। ठीक है, आज मैम कौन सा लुक देंगे आप? हेयर स्टाइल का मैजिकल मैसी लुक एंड मेकअप देंगे, मतलब बेसिक लुक है मेकअप की। ठीक है, तो मैडम के साथ पूरी वैनिटी है इनके साथ, और सभी प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपको दी जाएगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। तो आप सबको पता है जैसे हम मेकअप करते हैं तो उसके लिए पहले स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर हम मेकअप बिना स्किन प्रिपेयर करे करेंगे, मान लो हमने मेकअप कर दिया और स्किन पहले प्रिपेयर नहीं की, प्रिपेयर मतलब क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर CTM, ओके। अगर हम बिना स्किन को प्रिपेयर करें मेकअप करेंगे तो स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, हमें नहीं दिखते वो, लेकिन मेकअप करने के बाद वो सारे पोर्स विजिबल हो जाएंगे, सब दिखेंगे, और तो उससे मेकअप लगेगा बिल्कुल पैची, ऐसे मतलब उभरा उभरा और गड्ढे से गड्ढे नहीं हो जाते, केकी लगता है वैसे लगेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्किन को प्रिपेयर करना है, कोई भी काम करेंगे अगर स्किन के ऊपर, उसके लिए पहले स्किन प्रिपेयर करके चलेंगे, ओके। तो स्किन प्रिपेयर करने के लिए पहले हम करते हैं क्लींजिंग। सबसे पहले हम फेस को करेंगे क्लीन, जो भी फेस पे डर्ट वगैरह होता है उसको हटा लेंगे। पीछे रख लो गर्दन, हाँ चेयर पे। तो अभी हमने क्या अप्लाई किया है? क्लींजिंग। क्लींजिंग क्यों करेंगे? फेस को क्लीन करने के लिए, फेस पे कोई डर्ट धूल मिट्टी एक्स्ट्रा कोई पहले से कोई मेकअप हो उसको क्लीन करने के लिए हम करते हैं। तो मेकअप से पहले हमें स्किन को क्या करना ज़रूरी होता है? प्रिपेयर। ठीक है, और प्रिपेयर कैसे करेंगे मेकअप के लिए, हम कैसे तैयार करेंगे उसको? CTM करके। CTM मतलब क्लींजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजर। वैसे तो सभी देखो सुबह सुबह नहा के आते हैं, फेस भी वॉश करके आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम क्लींजिंग करके क्लीन करेंगे ना तो बहुत सारी डस्ट फिर भी निकल ही आती है। रास्ते में डस्ट तो लगता ही है ना, जब हम चलते हैं आते हैं। जब लगाएंगे तो वो पैची ना दिखे ज्यादा, मतलब फटाफटा सा ना लगे, क्रैक लाइन ना आए, तो उसके लिए हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे ताकि हमारी स्किन में नमी बनी रहे। अगर ज्यादा ही ड्राई स्किन है तो हम वो सीरम लगाएंगे। सीरम दिखा दें, विटामिन सी वाला। ये फेशियल सीरम होता है ये। ठीक है, अगर जिसकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राइनेस हो ना फिर हम सीरम लगा सकते हैं। ऑयली भी दिख सकती है तो इसलिए अब इनकी स्किन नॉर्मली सही है, ड्राई नहीं है ज्यादा, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर इस दिन ज्यादा ड्राई होती तो हम सीरम लगाते। उसके बाद CTM करने के बाद हम यूज करेंगे प्राइमर, जो मेकअप में सबसे पहले यूज होता है, जो हमारे स्किन पे पोर्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए। ये उनको इक्वल कर देगा, बिल्कुल स्मूथ स्किन बन जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट हम लगाएंगे एक ही जगह पे, उसको लेके नहीं लगा देंगे, फिर वो एक ही जगह पे मर्ज हो जाएगा लगाते लगाते ही। हम हर जगह डैब डैब करके थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके लगाएंगे, फिर उसको अपने हाथों से ब्लेंड करेंगे।
में यूज कर रहे हैं स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी ये क्या होता है? एक ब्रांड होता है, जैसे तुमने पढ़ा ना इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, तो स्विस ब्यूटी भी एक ब्रांड होता है। कभी भी अपने फेस पे मेकअप करो तो कभी भी अपने फेस स्किन के साथ रिस्क मत लेना कि हम सस्ते के चक्कर में थोड़े से नॉर्मल ब्रांड के ले लेंगे मेकअप और उससे फिर हमारी स्किन हार्म हो जाएगी, हम कभी मेकअप करने लायक बचेंगे नहीं। अच्छा, तो इसलिए थोड़े पैसे लगाओ, अच्छा ब्रांड का मेकअप लेना, कभी इफेक्ट नहीं होगी। उसके बाद हम यूज करेंगे बेस। बेस हम क्रायलॉन का यूज करेंगे। बेस क्या होता है? जो सबसे पहले, बेस का मतलब ही होता है जो सबसे पहले लगता है। बेस जो चीज होती है, नींव किसी की चीज होती है, तो जब हम मेकअप लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा होता है बेस। बेस हम यूज करेंगे जो इनकी स्किन टोन है उससे 1+ टोन। अगर हम ज्यादा लगा देंगे तो इनका मेकअप दिखेगा बिल्कुल ब्राइट सा। बेस लगाने से पहले हम अपने स्किन पे कलर करेक्टर लगाएंगे। कलर करेक्टर क्या होता है? जैसे हमारे फेस को करेक्ट करने के लिए कहीं पे हमारे डार्क सर्कल्स हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑरेंज करेक्टर। तो वो करेक्टर से क्या समझा आप लोगों ने? कंसीलर। ठीक है, जिनका ज्यादा बजट नहीं है ना, मतलब हाई प्रोडक्ट लेने का, तो स्वीट्स ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जो आपको लुक भी बहुत अच्छी देता है और रीजनेबल प्राइस में आपको ये किट मिल जाएगी। इसके बेस से लेके प्राइमर से लेके मतलब ऑल टोटल सभी चीजें मिल जाएगी इस ब्रांड की। अगर और ज्यादा लोगे मैक वगैरह फोरएवर, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ये ना स्टार्टिंग में प्रैक्टिस वगैरह के लिए, थोड़ा सा काम स्टार्ट करने के लिए लेना है, तो ये मिनिमम प्राइस में आ जाएंगे, ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। कौन सा ब्रांड बताया अभी? स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी, ठीक है। आप सर्च भी करके दे सकते हो यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके अंदर सारे प्रोडक्ट होते हैं स्विस ब्यूटी ब्रांड के, जो अपना कंसीलर, बेस, ठीक है, पहले फाउंडेशन, फुल पैलेट आती है इसकी जो अभी दिखाई है ये। शेड चेक करना बता रखे ना आप लोगों को, कैसे चेक करेंगे? तो हमेशा नेक पे चेक करेंगे लगा के। अगर लाइट डार्क करना हो ना तो दो शेड को मिक्स करके लगा देंगे। ये एक जो है पैक भी मिल जाता है क्या, जैसे एक कलर लेना सिंगल पीस? जैसे ये है अपना, जैसे सिंगल पीस है, अगर हमें यूँ लेना है कि हमें कंसीलर ही लेना है, ठीक है, तो हम यूँ देख के, ये 303 है, इट मीन्स ये हमारा कैसा है, ऑरेंज है। ज़्यादातर हमारा डार्क जो सर्कल होते हैं उनके ऊपर ऑरेंज यूज होता है ना, तो हम ये बोल के ले सकते हैं कि स्विस ब्यूटी का 303 नंबर हमें लेना है, ठीक है। या फिर पूरी पैलेट लेनी है तो इस टाइप में आपको, ये तो क्रायलॉन की है, हाँ ये क्रायलॉन की, लेकिन इस टाइप में आपको पूरी पैलेट मिल जाएगी जिसके अंदर सारे कलर आ जाएंगे। हम जब मेकअप करेंगे तो हम ओनली फेस फेस कवर नहीं करेंगे, उससे हमारा फेस ही ज्यादा दिखेगा, ये वाला एरिया ब्लैक दिखेगा तो वो बहुत गंदा लगता है, तो इसलिए हम फेस कवर करके ईयर और नेक इतना हिस्सा पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Thank you.
जिसके माइंड में जो भी डाउट आए पूछना है बेटा। जो पूछता नहीं है इट मीन्स वो सीख भी नहीं रहा। जिसके माइंड में अगर कोई सवाल नहीं आता ना किसी चीज से रिलेटेड इट मीन्स उसका ध्यान प्रॉपर है ही नहीं। वरना ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको लेके हमारे मन में सवाल ना हो। ये क्लासें तुम्हें क्यों दी जाती है पता है? इसलिए सीख तो यहाँ भी रही हो स्कूल में, बाहर से थोड़ी और नॉलेज मिले, जिस चीज का नहीं पता वो पता लगे, इसलिए मिलती हैं। अब कोई क्वेश्चन है किसी चीज के लिए तो पूछ सकते हो ना। उसके बाद हम लगाने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। हम पहले अपने हाथों से फिंगर्स की टिप से ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम ब्लेंडर यूज करेंगे। ये ब्लेंडर आपने हल्का सा वेट कर रखा है? पहले कर रखा है। हाँ मतलब पहले कर रखा है। कंसीलर एक ही कंसीलर नहीं होता, कंसीलर अलग अलग होते हैं। वो लिक्विड कंसीलर है, वो कहीं भी यूज हो सकता है। जो वो करेक्टर वाले कंसीलर होते हैं, ये दूसरे कंसीलर हैं, हाईलाइट एरिया वगैरह के लिए। ये बेस मतलब बेस क्या होता है? पहले फाउंडेशन लगाते थे, अब बेस आता है, मतलब वो फाउंडेशन की का ही काम करता है। ठीक है, कंसीलर का यूज करना है तो हमें वो कलर यूज करना है सिर्फ। जैसे मान लो हमने ऑरेंज किया या रेड मार्क्स हैं तो उनके ऊपर हमने ग्रीन किया। लेकिन अगर हमें बेस लगाना है तो हम उस पैलेट के अंदर ही आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा, बेस की जो है पैलेट भी। तो जो भी कलर जाए वो यूज कर सकते हैं। हमेशा डैब डैब मोशन में करेंगे, हम कभी भी ब्लेंडर को लेके ऐसे करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो हमारा जितना भी बेस है वो सारा यूं ही फैलेगा। ठीक है, तो हम हमेशा ब्लेंडिंग डैब डैब मोशन में करेंगे ताकि जितना भी हमारा बेस है वो स्किन के अंदर मर जो, वो ऐसे फैलाना नहीं है। ये देखिए, ये हमारा हो गया मैगी कर्ल्स। मैगी कर्ल्स नाम इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि मैगी भी हमारी बिल्कुल ऐसे रिंगलेट्स की तरह होती है ना, टाइट कर्ल। तो ये लुक हमने दिया है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं सेम। ठीक है, ये भी हमारे मैगी कर्ल्स इनको बोलते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन हम यूज कर रहे हैं मैक का। ओके, हम फाउंडेशन जब भी लेंगे तो एक ही बार में ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे, हम हमेशा थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर हम पहले ही ज्यादा लेंगे ना तो वो हमारे फेस पे लग नहीं पाएगा और वो हम प्रोडक्ट वापस डाल नहीं सकते। हाई कवरेज फाउंडेशन होती है ये, थोड़ा सा प्रोडक्ट ही कंप्लीट फेस पे ब्लेंड हो जाता अच्छे से। स्टिक फाउंडेशन, और जिसमें SPF भी हो, शीयर फाउंडेशन। मैं के तुम्हें नॉर्मल जनरल स्टोर पे भी देखे होंगे फाउंडेशन, बिल्कुल बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं ना, वो स्किन पे भी नहीं अटकते। लेकिन इसको अगर एक जगह लगाओगे ना ये कहीं भी नहीं फैलेगा, बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं करेगा, ये वहीं रह जाएगा। और वो वाला तो अगर एक ड्रॉप रख ली ना वो पता नहीं फैल के कहाँ तक आ जाएगी। फिर
फिर कहाँ से खरीदे फिर इन वाले प्रोडक्ट को? नहीं ये मतलब अच्छे वाली शॉप से मिलते हैं ना, जैसे नॉर्मल जनरल स्टोर हो गए, वहाँ पे तो इतनी इतनी लैक्मे वगैरह की मैक की वो मिलती है बोतलें 50-60 रुपए की, वो ओरिजिनल नहीं होती। पीछे रख लो ना फिर, आगे हो जाओ थोड़ा। अच्छा मोनिका मैडम इनका ये सवाल है कि मालूम इन पे वो होता है मतलब जहाँ पे ये बनते है ना उन पे ये मेड इन इंडिया मेड इन चाइना ऐसे होता ना, ये मेड इन इंडिया होती है उन पे एक अलग ही नाम होता है करके देख सकते हैं। अगर लगाएंगे ना, अगर वो स्टिकी होगा तो वो उधर ही रह जाएगा, अगर वो लोकल है ना तो वो ऐसे करते ही फैल जाएगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे हो तो मैं दिखा दूँ। नहीं यहाँ पे नहीं, वो लोकल थे सारे, एक्सपायर हो चुके। इसके लिए रख रखी है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। जो ये नॉर्मल होती है ना, ये PCR लिखा होता है इन पे, जो ये नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं, और जो ब्रांड के होते हैं उन पे मेड इन इंडिया जो भी मतलब कंट्री में वो बने हैं ना, वो उसका ही नाम आएगा उनके ऊपर, वैसे ये आएगा अगर लोकल प्रोडक्ट है तो। वैसे ही अगर इनका भी ना पता चले तो मैंने बता दिया, टच करके देख सकते हो उनको। ये हमारा कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया? फाउंडेशन। ओके, फोर स्टेप्स करने से पहले हम अपने बेस को सेट करेंगे, उसको सेट करने के लिए हम यूज करेंगे मेकअप फिक्सर। अच्छा ब्रांड होता है वो हम यूज करेंगे अपने मेकअप को सेट करने के लिए, ताकि मेकअप को सेट करना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेकअप हमारा नहीं उतरेगा फिक्सर के साथ। ओके कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का। और फिक्सर लगाने से पहले हमेशा पहले इसको शेक करेंगे अच्छे से, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट हो ना उसको पहले शेक ही करना है, हेयर स्प्रे हो या कुछ भी हो। ठीक है हम पहले क्लाइंट की आईज बंद करवा देंगे ताकि ये उनकी आंखों में ना जाए। इसको हम ड्राई करेंगे, तो हल्का सा ड्राई करेंगे। ठीक है ये क्या होता है, जैसे अपना टोनर नहीं होता लिक्विड ऐसे होता है, तो इससे हमारा क्या होगा मेकअप जो बेस होता है वो सेट हो जाएगा। इसके ऊपर अब टच करेंगे ना तो कुछ भी पैच वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अगर वैसे इसके बिना अगर हम फिंगर्स वगैरह टच करेंगे ना वो यूं का यूं रह जाएगा। देखो वैसे तो हम स्टूडेंट के ऊपर मेकअप करना अलाउ नहीं करते, ठीक है, लेकिन अभी क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें लगे कि वो और ठीक नहीं है स्किन के लिए। अभी मैडम के पास तो क्योंकि ये सैलून के अंदर ये किट यूज़ करते हैं, अपने खुद की किट लेके आए हुए हैं, तो इनके पास सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ब्रांडेड हैं, ठीक है, तो इससे स्किन पे कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम स्किन पे कर रहे हैं, अदरवाइज हम स्किन पे बिल्कुल भी करके नहीं दिखाते। ताकि हमारी जो आई शेडो है वो उभर के आए, वो हम दिखे अच्छे से। अगर हम जैसे आई जैसी के ऊपर लगा देंगे तो हमारे जो कलर्स हैं वो फिनिशिंग के साथ नहीं दिखेंगे। जैसे कई बार बोल नहीं देते हैं कि आस पड़ोस में शादी होती है तो कई लोग ये कहते हैं कि जी उनको रेडी होना है किसी को, और वो ना इतनी पेमेंट नहीं दे सकते, मान लो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो और वो कहते हैं जी इतनी पेमेंट नहीं दे सकते वो, और खुद ही प्रोडक्ट ले आएंगे, उनके पास हैं वो किट वगैरह ले आते हैं शादी में कि इन्हीं से कर दो, ठीक है, तो उन्हीं से करने से क्या होगा, वो किट में तो क्या आएंगे, किट तो थोड़ी बहुत की बनवा लो आप, उसके अंदर तो सारे लोकल प्रोडक्ट डाल देते हैं दुकानदार,
है ना, वो एक तो एक दिखाने के लिए होती है, वो कोई यूजेबल नहीं होती। अब उससे किसी का मेकअप करेंगे और एक ब्रांड के प्रोडक्ट से करेंगे, प्रोडक्ट से ना मेकअप ब्लैक भी पड़ जाता है, बिल्कुल ग्रे कलर का। अब उनको मेकअप भी अच्छा चाहिए लेकिन उनको पैसे भी नहीं खर्च करने, प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं है उनके पास, तो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें, ठीक है। और हाँ एक मेन बात और, जब भी किसी का मेकअप करो ना उसको बोलने मत दो, क्योंकि वो बोलेंगे ना तो जब हम बोलते हैं तो स्किन हमारी ऊपर नीचे होती है ना, तो वो लाइन पड़ जाती है यूं की यूं लिप्स के अराउंड, ठीक है। अगर आईज मेकअप करते हैं तो बार बार क्लाइंट को बोलो आईज खोले ना, अगर आईज खोलेंगे तो यहाँ पे जो हम जैसे अपने आईज को खोलेंगे मेकअप की, और जब भी हम आईज पे मेकअप करेंगे तो हम ऐसे एक लूज पाउडर का पैड लेके हम फिंगर में ऐसे पहन लेंगे ताकि हमारे फेस पे हाथ के पैच ना पड़े, जो कंफर्टेबल है जैसे हम एक्सपर्ट है हम नहीं करते, लेकिन जिनको यूं है ना कि भाई थोड़ा सा डाउट है तो वो मतलब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरी फिंगर बार बार टच होंगी स्किन के ऊपर तो हम ये डाल सकते हैं पैड। लेकिन ये तुम सबको बताने के लिए, वैसे हम तो ऐसे ही कर लेते हैं सेटिंग स्प्रे के बाद, वैसे पैच वगैरह नहीं पड़ते ना स्किन पे। तो उसके लिए हम आई शेडो भी बिल्कुल न्यूड कलर लेके चलेंगे ताकि इनकी न्यूड आ सके। हम आई शेडो जब भी लेंगे ना तो कभी भी ब्रश को लेके ऐसे रब नहीं करना बिल्कुल आई शेडो के ऊपर, उससे क्या होगा हमारा प्रोडक्ट सारा बीच में से खराब हो जाएगा। जितना हमें लेना है उतना बिल्कुल हल्का सा ऐसे रब करना है, और फिर हमेशा कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी, अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर तो वहीं पर ही सीधा ये पैच ऐसे बन जाएगा लगाने के बाद। तो हम पहले लेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद हम थोड़ा सा स्किन पे ऐसे करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालेंगे फिर हम आई से लगाएंगे। जिसके जो भी सवाल है पूछ सकते हैं साथ साथ। उसको पहले हाथ पे चेक कर लिए कि ये कलर जो हम करना चाहते हैं वो सही है या नहीं, अगर हमें डार्क लग रहा है तो हम उसके साथ लाइट शेड मिक्स करेंगे, अगर हमें लाइट लग रहा है तो हम उसके साथ डार्क शेड मिक्स करेंगे ताकि जो प्रॉपर हम कलर चाहते हैं वो आ सके। तो हम आईब्रो को थंब के साथ ऐसे स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारे पूरी आईज पे हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकें। यहाँ पे आईब्रो का ये होता है ना पॉइंट, थोड़ा सही ना ऊपर। दोनों आईज को आपस में चेक करते रहेंगे कि हम जो कर रहे हैं प्रोडक्ट ले रहे हैं वो इक्वल है या नहीं, ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है कोई भी आई के ऊपर, और प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए ये हम चेक करते रहेंगे। क्रिएट कर रहे हैं वो है कट क्रीज, हाफ कट क्रीज मतलब हाफ आईज के ऊपर आगे कट क्रीज बनेगी, कट करके हम हाफ आईज पे बनाएंगे, ठीक है। बनाने के लिए हम कंसीलर का यूज करेंगे, इसके ऊपर थोड़े अगर मतलब स्कूल के साथ साथ सीखना है ना तो सीख भी सकते हो, संडे को क्लास लग जाएगी, ठीक है। स्कूल के साथ साथ अगर देखो एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम के बाद छुट्टियां होंगी तो उन दिनों को वेस्ट क्यों करना है, वैसे भी रिजल्ट आने तक का तो वेट करोगे ही, तो जब भी सूटेबल लगे मैम के सैलून पे जाके क्लास ले सकते हो, ठीक है। क्लींजिंग ऑयल मेथड होते हैं ना बहुत सारे, जैसे खुद को रिमूव करने के, तो क्लींजिंग ऑयल या क्लींजिंग क्रीम या
उसके बाद हम गम सेल को फिक्स करने के लिए लगाएंगे लूज पाउडर। एक बार जब हम करते हैं तो एक बार मतलब एकदम से वो स्टार्टिंग में हमें यूं लगेगा जैसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती है थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो सेट होगा, टाइम लगेगा, तो वो नॉर्मल नेचुरल हो जाता है। ब्राइडल के ऊपर हम करते हैं तो हमेशा थोड़ा सा हैवी मेकअप होता है, देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसके ऊपर ज्वेलरी भी पहनाते हैं, ठीक है, कुछ तो उससे भी रिफ्लेक्शन आता है, कवर हो जाता है। कंप्लीट रेडी होते हैं ना तब मेकअप अच्छा लगता है, ऐसे हाफ हाफ देखते हैं ना तब तो यही लगता है कि ज्यादा ओवर हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। जैसे पैलेट में ना कई शेड मिलती नहीं, तो उनको जैसे जो अलग अलग शेड होती है ना उनको मिक्स करके हम जो हमें प्रॉपर शेड चाहिए ना वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आती होगी वो तो। तो ग्लिटर होते हैं, एक हाइलाइटर होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं दोनों। हाँ, तो दोनों हाइलाइटर तो बिल्कुल ही बारीक होते हैं वो, मतलब वो उसका कोई वो दिखता नहीं है, पाउडरी फॉर्म में होता है वो, और लेकिन ये फील होते हैं, ये थोड़ा सा ना मोटे होते हैं। एक इनके अलावा एक और आते हैं मोटे ग्लिटर स्पार्कल, वो भी ऐसे ही होते हैं, वो इनसे थोड़े और मोटे होते हैं। आज हम इनका कौन सा लुक तैयार करने वाले हैं, कौन सा लुक है, वेस्टर्न लुक था ना, वेस्टर्न लुक पहले वाला था। अच्छा, अभी मैगी कर्ल्स है, थोड़ा मैसी कर्ल्स है, ठीक है। चाहे हम नॉर्मल करें, टेक्निक एक ही होती है, स्टेप्स हमारे सबके सेम ही होते हैं, ठीक है, लेकिन बस वो होता है कि प्रोडक्ट भी सेम होते हैं। ब्राइडल का है तो थोड़ा हैवी हो जाता होगा मोनिका मैम, है ना, और वैसे हम लाइट कर लेते हैं। सिंपल मेकअप वगैरह में बेस तो बहुत कम ही यूज होते हैं, कंसीलर वगैरह यूज होते हैं एंड फाउंडेशन यूज होते हैं, और जो ब्राइडल वगैरह एंगेजमेंट मेकअप हो गया, हैवी मेकअप होते हैं ना, इनमें बेस यूज करते हैं। लेकिन आपको ये है कि मतलब दोनों के दोनों साथ के साथ बता दिया जा रहे हैं। आईशैडो अप्लाई करने के बाद हम यूज करेंगे आईलैशेस, आई लाइनर ऊपर फिक्स हो जाती है, वरना वो जैसे पाउडरी होता है ना ये आईलैश, वो आईशैडो तो उससे वो रिमूव हो जाती है जल्दी, लगाते हैं लेकिन फिर भी इंसान को ना हर एक चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टैलेंट मतलब बहुत सारे टैलेंट हमारे अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं, जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको अप्लाई कर दो,
ठीक है, ये नहीं कि एक चीज में लगे रहो और बाकी हमें तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है। तो सभी चीजें, और गर्ल्स के लिए तो खासकर सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस कि जी हमें फॉर एग्जांपल अगर मेकअप ही सीखना है तो सारे काम सब छोड़ दो कि जी हमें तो खाना भी बनाना नहीं आता, हमें तो ये नहीं आता, हमें तो सब्जी भी बनानी नहीं आती, हमें तो ये काम नहीं आता। काम सारे लड़कियों के लिए सब जरूरी है, काम सारे आने चाहिए, ठीक है। खुशी को लगता है खाना बनाना नहीं आता, इसलिए हंस रही है। साइनर वगैरह अगर हमारा फोन हो जाता है या कहीं से गलत लग जाता है तो हम उसको ईयरबड्स के साथ वहीं के वहीं करेक्ट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। आईब्रो बोन हमारी यहाँ में इससे लेकर आईब्रो के एंड तक होती है, ठीक है, जिसको हम हाईलाइटर के साथ सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा उठा हुआ पार्ट होता है ना, के साथ अपने बेस को सेट करेंगे। अब क्या लगा रहे हैं हम? लूज पाउडर। किस लिए? मेकअप को सेट करने के लिए। अगर कोई मतलब हैवी आई मेकअप कर रहा है ना, और जैसे ये अगर डायरेक्ट बेस पे करोगे ना तो ये इधर फैल जाएगा, तो ये यहीं पे पैच बन जाएगा इसका, तो यहाँ पे ना पाउडर लगा लो पहले थोड़ा सा ज्यादा, फिर तो उसके बाद करोगे ना वो हट जाएगा यूं का यूं। पाउडर फॉर्म में होता है ना ये, यूं का यूं हट जाएगा फिर।